गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हेलो मुन्ना, गुड आफ्टरनून। पमित, गुड आफ्टरनून। मेघराज, गुड आफ्टरनून। जी सिंह, जय श्री कृष्ण। हेलो श्रेया, गुड आफ्टरनून। कृष्णा, हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो मुन्ना, गुड आफ्टरनून। बेटा एक बार मुझे कंफर्म कीजिए, सबसे पहले क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल और विजिबल हूँ? हेलो रितेश, राधे राधे। प्रद्युमन, गुड आफ्टरनून। ओके, 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाएं। हेलो शफकत इकबाल, गुड आफ्टरनून। प्रियंका, गुड आफ्टरनून। साहिल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विद्या, कैसे हैं भाई सभी आप लोग? क्या सभी ठीक है? मैं भी ठीक हूं बेटा। हेलो डेंजरस बॉय। हेलो सूर्यकांत, गुड आफ्टरनून। हेलो जाकिर, गुड आफ्टरनून। बेटा मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाती हूँ, दो और सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी। हिस्ट्री के अंतर्गत मैं आपको एशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है वो भी पढ़ाती हूँ, है ना, और पॉलिटी। क्या मैम लाइक नहीं किया किसी ने चैनल को? अच्छा तो भाई लाइक कर दीजिए सभी सेशन को फटाफट। एक स्टूडेंट बोल रहा है मैम स्टूडेंट्स को बोलिए लाइक करने का, तो भाई लाइक कर दीजिए सेशन को। हेलो सूर्यकांत, हेलो रागनी, गुड आफ्टरनून। चलिए आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी जो है वो अच्छी चल रही होगी। तो पहले ही मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट जो है वो बोल देती हूँ। चलिए, और सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दे। हेलो सौम्या, गुड आफ्टरनून। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। भाई इस सेशन में जो हम बात करते हैं वह करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स की। जो भी नए बच्चे हैं वे इस टेलीग्राम लिंक पे जाके ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सुन लीजिए कि व्हाई एन एकेडमी, क्योंकि यहाँ पर वाइडेस्ट चॉइस आपको मिलती है एजुकेटर्स की, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेस, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रेपरेशन, लाइव मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। 2020 में 170 प्लस टॉपर सेलेक्ट हुए थे, 2021 में 178 प्लस। AIR 3, 4 और 5 भी जो है वो इसमें शामिल है। अगर आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पर कॉल करके जो है वो आप पूछ सकते हैं। भाई अभी अनअकैडमी पर 20% का ऑफ जो है वो चल रहा है, यूपीएससी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ के प्राइजेस आपके सामने दिए गए हैं। कितना आप सेव कर सकते हैं, कितना आपको पे करना है, ये सब आपके सामने दिया गया है। बस भाई कोड याद रखेंगे आप सभी, कोड है JGRAS10। इस कोड का इस्तेमाल करके आपको सब्सक्रिप्शन पर जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। गेट स्टार्टेड विद 0% EMI टुडे। लोन भी अनअकैडमी पर अवेलेबल है। अप्रूवल 2 घंटे में। मिनिमल पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर्स। भाई यूपीएससी सीएससी बैचेस शुरू हो रहे हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम्स मेंस इंटीग्रेटेड बैच कोर्सेज है, जीएस और सीएस है, यूपीएससी सीएससी 2023 एंड 2024 प्रेपरेशन के लिए। ये बैचेस जो है वो 15 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। बायलिंगुअली और हिंदी में ये कवर कराए जाएंगे। 2024 वाले बैच में मैं भी हूँ, मेरा भी एक कोर्स जो है
सॉरी दो कोर्स जो है वो इस मंथ शुरू हो रहे हैं, एक हिस्ट्री का कोर्स है एनसीईआरटी हिस्ट्री का, और एक जो है वो पॉलिटी का जो है वो कोर्स है जिसमें मैं पॉलिटी की एनसीईआरटी आपको करवाऊंगी क्लास 6th की। तो एनरोल नाउ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थोड़े से बेनिफिट्स देख लीजिए भाई। यहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप मिलेगी, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, एक्सेस टू डेली कंटेंट, टू एमसीक्यू आर्टिकल्स, चैट बेस्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे, स्टडी बूस्टर सेशन मिलेगा, फिजिकल नोट्स मिलेंगे एंड लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। तो सब्सक्राइब नाउ। भैया एकेडमी द्वारा यूपीएससी सीएससी मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, ये टेस्ट शुरू हो रहा है सितंबर 11 से। सब्सक्राइब एट जस्ट रुपीज 14,990 भाई। 30+ टेस्ट मिलेंगे, कस्टमाइज फीडबैक एंड इवैल्यूएशन मिलेगा, और लाइव एनालिसिस सेशन भी यहाँ पर जो है वो आपको मिलने वाला है भाई। यूपीएससी सीएससी सुपर कॉम्बैट आज हुआ है, अब नेक्स्ट संडे जो है वो आपका होगा 11 बजे, ये वाला कॉम्बैट हो चुका है। तो भाई कॉम्बैट जरूर आपको देना चाहिए क्योंकि फ्री है, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए क्या रहेंगे भाई, फायदेमंद भी जो है वो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए रहने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में भी यह जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी मदद करेंगे। डाउट दरबार भी अनअकैडमी लेकर आया है, जो कि इन डेट्स को जो है वो होगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, सीएनआईआर। टाइमिंग आपके सामने दी गई है, बस आपको क्या करना है, स्कैन करना है इस क्यूआर कोड को और रजिस्टर जो है वो करना है भाई। ऑप्शन कार्निवल भी अनअकैडमी लेकर आया है, जहां पर इन वेरियस एजुकेटर्स के द्वारा, ये जो टॉप एजुकेटर्स हैं इनके द्वारा आपके ऑप्शंस जो हैं वो कवर कराए जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपना डाउट जो है वो पूछिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको जो था वह न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जो था वह बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो न्यूज में क्यों है। फिर मैंने आपको बताया था कि फिजन और फ्यूजन में जो है वो अंतर क्या होता है। फिर मैंने आपको एडवांटेजेस बताए थे न्यूक्लियर फ्यूजन के। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई है फ्यूजन के थ्रू, ये एक मशीन के थ्रू जो है वो की गई है जिसका नाम है टोकमक। फिर मैंने उस मशीन के बारे में भी जो था मैं आपको बताया था, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे इस फ्यूजन प्रोसेस में वो भी मैंने आपको जो थे मैं कल बता दिए थे। साथ ही साथ इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में भी जो था वो मैंने कल आपको बता दिया था, और उससे भी संबंधित जो चैलेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए थे। और ये भी बताया था कि भाई न्यूक्लियर डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है इंडिया को, ये पॉइंट भी हमने जो थे वह कल डिस्कस कर लिए थे। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि भाई पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से भी जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी लिंक मिल जाएगी अनअकैडमी की, तो वहां पर जाकर आप फॉलो भी जो है वो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती है, प्लस क्लासेस जो है वो होती है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है सोलर फ्लेयर एंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। तो भाई सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये जो सोलर फ्लेयर और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है ये आखिर न्यूज में क्यों है। तो व्हाई इन न्यूज, रिसेंटली सन एमिटेड अ लार्ज सोलर फ्लेयर दैट वाज ऑब्जर्व बाय नासास सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी दैट इज एसडीओ, एसडीओ। तो भाई क्या किया है, तो जो सन ने है अभी देखा गया है कि जो सन है उसने एमिट किया है लार्ज सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर का मतलब होता है सौर ज्वालाएं, जो कि ऑब्जर्व किया गया है किसके द्वारा, नासा की सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, ठीक है। तो अब सोलर फ्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं कि भाई ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये क्या होती है। हिंदी में सोलर फ्लेयर्स को कहा जाता है सौर ज्वालाएं। तो भाई अगर हम बात करें सोलर फ्लेयर्स की, तो भाई सोलर फ्लेयर्स जो है वो सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर सनस्पॉट्स। जो भाई जो सन स्पॉट्स के नियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनके रीऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही जो है वह सोलर फ्लेयर्स आपकी जो है वह प्रोड्यूस होती है, जिसमें सडन एक्सप्लोजन होता है किसका, एनर्जी का। तो भाई सोलर फ्लेयर्स एक्चुअल में क्या है, सडन एक्सप्लोजन है एनर्जी का, जिसका मेन कारण होता है रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर सन स्पॉट। इन अ सोलर फ्लेयर एनर्जी स्टोर्ड इन द सन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इंटू लाइट एंड हीट एनर्जी। दिस कॉजेज द एमिशन ऑफ हाई एनर्जी एक्सरे रेडिएशन एंड हाईली एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स टू लीव द सन सरफेस। तो भाई इसमें क्या होता है, तो भाई मैंने आपको बताया कि भाई सोलर फ्लेयर में क्या होता है, जो एनर्जी स्टोर्ड है सन के मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट होती है किसमें, लाइट और हीट में, ठीक है।
किस में कन्वर्ट होती है? तो लाइट और हीट एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके कारण क्या होता है, तो हाई एनर्जी एक्सरे रेडिएशन जो है वो एमिशन उनका होता है। साथ ही साथ जो हाई एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वह लीव करते हैं सन सरफेस को। समटाइम्स आप देखेंगे कि ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये कारण बनती है हॉट प्लाज्मा का, जो कि इजेक्ट होता है किससे? सन से। और यही कारण बनता है किसका? सोलर स्टॉर्म का, जिसे कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन, दैट इज CME। तो समटाइम्स सोलर फ्लेयर आल्सो कॉजेज हॉट प्लाज्मा टू बी इजेक्टेड फ्रॉम द सन, कॉजिंग अ सोलर स्टॉर्म कॉल्ड कोरोनल मास इजेक्शन। अगर हम इस कोरोनल मास इजेक्शन की बात करें तो जब ये कोलाइड करता है अर्थ के साथ तो ये क्या कॉज करता है? जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो यह कारण बनता है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का। ठीक है, तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है उसका कारण क्या है। तो वह क्या है मेन कारण? तो मेन कारण है कोरोनल मास इजेक्शन, जब ये कोलाइड करता है अर्थ के साथ तो भाई जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का जो है ये महत्वपूर्ण कारण बनता है। ठीक है, और देख लेते हैं भाई GMS यानी कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, ये क्या है? डिस्टरबेंस है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में, विच इज द एरिया अराउंड द प्लैनेट कंट्रोल्ड बाय इट्स मैग्नेटिक फील्ड। भाई पहली बात तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म नाम से ही समझ आ रहा है, भाई क्या है ये? जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है, यानी कि किससे संबंध रख रहा है भाई? मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो संबंध रख रहा है। तो भाई ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है? एक तरीके से डिस्टरबेंस है जो कि अर्थ मैग्नेटोस्फेयर में जो है वो होता है, यानी कि जो चुंबकीय मंडल है अर्थ का उसमें जो है ये डिस्टर्बेंस होता है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। और ये वो एरिया है जो कि प्लैनेट के अराउंड कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा? उसकी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तभी तो नाम इसका क्या पड़ा है भाई? मैग्नेटोस्फेयर, यानी कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से क्या है ये संबंध रखता है। तो बिल्कुल भाई हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय मंडल कहा जाता है। तो भाई ये वह एरिया होता है जो कि प्लैनेट के अराउंड होता है, कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। साथ ही साथ अर्थ मैग्नेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स इट्स इनहैबिटेंट्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स एमिटेड बाय द सन। तो भाई जो सन के द्वारा पार्टिकल्स एमिटेड किए जा रहे हैं, ये जो अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर है वह उस प्लैनेट पर रह रहे निवासियों को इससे जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो अर्थ मैग्नेटोस्फेयर प्रोटेक्ट इट्स इनहेबिटेंट्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स एमिटेड बाय द सन। इट इज कॉज्ड बाय मैसिव एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलर विंड इनटू द स्पेस एनवायरमेंट सराउंडिंग द अर्थ। भाई ये किसका कारण बना है? तो भाई कारण मेन है जो मैसिव एक्सचेंज होता है एनर्जी का, किसके थ्रू? तो भाई सोलर विंड से। कहां पर? तो स्पेस एनवायरमेंट में सराउंडिंग द अर्थ। अब इंपैक्ट्स देख लेते हैं भाई, क्या क्या इंपैक्ट्स है सोलर फ्लेयर और जीएमएस के। ठीक है, सोलर फ्लेयर और जीएमएस के क्या क्या इंपैक्ट है? ट्रिगर्स इंटेंस लाइट इन द स्काई कॉल्ड ऑरोरास। ये क्या करता है भाई? इंटेंस लाइट ट्रिगर करता है स्काई में, जिसे क्या कहा जाता है? ऑरोरास जो है वो कहा जाता है। ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं, जो मैग्नेटिक स्टॉर्म है, ये डैमेज करता है सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स को, साथ ही साथ एक्सपोज करता है एस्ट्रोनॉट्स को, और जो हाई एल्टीट्यूड पायलट्स है वहां पर भी रेडिएशन की लेवल को क्या कर देता है भाई? बढ़ा देता है, यानी कि इंक्रीज जो है वो कर देता है। इसी की वजह से वोल्टेज सर्जेस भी जो है वो बनती हैं। ड्यू टू द ऑल्टर्ड मैग्नेटिक एक्टिविटी कैन अफेक्ट पावर सप्लाई ऑन अर्थ एंड कॉजेस आउटेज। भाई यही कारण बनता है किसका? एक तरीके से वोल्टेज सर्जेस का, जिसका कारण है ऑल्टर्ड मैग्नेटिक एक्टिविटी, जो कि अफेक्ट करेगी किसको? पावर सप्लाई को। साथ ही साथ आउटेजेस भी जो है वह होंगे। कैन हिट ऑपरेशन ऑफ स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज लाइक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। भाई ऑब्वियस सी बात है, इन सर्विसेज को भी ये क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, जो कि स्पेस पर डिपेंडेंट सर्विसेज है, जैसे कि आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो गया, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, सैटेलाइट आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो इन सबको जो है ये क्या कर रहा है भाई? इफेक्ट कर रहा है।
अब इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स जो है वो जान लीजिए। अगर यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई अगर आपको शब्द समझ नहीं आया है, यस शफकत, बताया ना मैंने आपको इम्पैक्ट सोलर फ्लेयर्स और जीएमएस जीएमएस के। हेलो नीतीश, गुड आफ्टरनून। अभिषेक, जय श्री राम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सौम्या, केतन, गुड आफ्टरनून। है ना इम्पैक्ट, अभी वही तो बताया ना मैंने आपको, ये रहे इम्पैक्ट। ये देखिए क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म और सोलर फ्लेयर्स। और किसी को कोई डाउट है? और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं कुछ रिलेटेड टर्म्स भी आपको बताने वाली हूँ कि जिसका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, जैसे कि आपके सनस्पॉट क्या होते हैं, प्लाज्मा जो है वो क्या होते हैं, ठीक है, आपका मैग्नेटोस्फेयर जो है वो क्या होता है, ऑरोरास जो है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए बेटा देखो, शफकात सैटेलाइट्स पर ये इफेक्ट तो डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सौर ज्वालाएं जो है या जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है डेफिनेटली इफेक्ट डालेगा, तो उसी का ही तो रास्ता ढूंढना है भाई, ठीक है शफकात, कि भाई एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट ही डाल रहे हैं सैटेलाइट्स पर, पूरी व्यवस्था को एक तरीके से क्या कर रहा है भाई, समस्या उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज हैं आपकी, जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, हाई फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, इन सभी को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट। अब कुछ रिलेटेड टर्म्स जो है वो हम जान लेते हैं जो कि मैंने इस न्यूज में आपके साथ कवर अप की है, ठीक है। सबसे पहले आता है सनस्पॉट। तो भाई सनस्पॉट क्या होता है? तो सनस्पॉट जो है वो एरिया होता है जो कि दैट अपियर डार्क ऑन द सरफेस ऑफ द सन एंड आर कूलर देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन सरफेस इन्फ्लुएंस बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सन। भाई क्या है सनस्पॉट? नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है, सन पर स्पॉट, ठीक है। तो सनस्पॉट क्या है? वो एरिया है जो कि सन के सरफेस पर अपियर होता है डार्क, मतलब कुछ इस तरीके से, साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है ये डार्कर सरफेस है सन का, तो ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा भाई, कूलर होगा, अगर हम कंपेयर करें अदर पार्ट से जो सन सरफेस पे है, और साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंस किया गया है किससे, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि सन पर, ठीक है, दिस सरफेस वो इन्फ्लुएंस बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सन। तो याद रखिएगा सन स्पॉट वह एरिया है जो कि सन के सरफेस पर डार्क अपियर होता है, साथ ही साथ ये जो एरिया है ये कूलर होता है अदर पार्ट से, जो कि इन्फ्लुएंस होता है किससे, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सन। प्लाज्मा क्या होता है भाई? तो प्लाज्मा इज द हाईली आयोनाइज्ड गैस प्रेजेंट ऑन द सन व्हाइल कोरोना इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई प्लाज्मा मैंने अभी आपको हॉट प्लाज्मा के बारे में बताया था, आपको याद होगा तो थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो भाई उसमें हमने प्लाज्मा शब्द का इस्तेमाल किया था। तो प्लाज्मा क्या है भाई? तो हाईली आयोनाइज्ड गैस है जो कि कहां पर प्रेजेंट है, सन में। और कोरोना क्या होता है? तो भाई कोरोना जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसका, सन एटमॉस्फेयर, ठीक है। आप देखेंगे कोरोना बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट, जैसे कि आपका सन हो गया, इसके जस्ट ये वाला बिल्कुल आउटर मोस्ट, ठीक है। तो कोरोना क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है सन के एटमॉस्फेयर का। मैग्नेटोस्फेयर क्या है? तो मैग्नेटोस्फेयर का मैंने आपको बताया था, नाम से ही समझ आ रहा है, ये क्या है भाई, चुंबकीय मंडल है आपका। द मैग्नेटोस्फेयर इज दैट एरिया ऑफ स्पेस अराउंड द प्लैनेट दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मैग्नेटिक
फील्ड। तो भाई ये वह एरिया है जो कि किसके अराउंड है भाई, प्लैनेट के अराउंड है, और कंट्रोल्ड किया जा रहा है किसके द्वारा, तो कंट्रोल्ड किया जा रहा है प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, अर्थ, इसके अराउंड क्या है, ये पूरा मैग्नेटोस्फेयर एरिया, तो वो एरिया है स्पेस का जो कि किसी प्लैनेट के अराउंड है, कंट्रोल किया जा रहा है किसके द्वारा, प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ऑरोरास, भाई ऑरोरास क्या है, तो ऑरोरास आर कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ द सोलर विंड विथ एटम्स ऑफ द अपर एटमोसफेयर अकरिंग प्राइमरली इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ बोथ हेमिस्फेयर। भाई ऑरोरास आप देखिएगा, एक ना आप कलर देखेंगे लाइटनिंग टाइप, कुछ इस प्रकार से आपको आकाश में जो है वो नजर आता है, आप गूगल पर इमेज सर्च करके देखिएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की थी उसको सेव करने की पर इमेज सेव नहीं हो रही थी। तो आप देखेंगे एक लाइटनिंग स्ट्रक्चर, लाइटनिंग टाइप जो एक ऑरोराज आपको जो है वो नजर आएंगे स्काई में, येल्लोइश कलर का कुछ ऐसे कुछ हो रहते हैं। अब मैं यहाँ पर बना नहीं पा रही हूँ बट आप इसकी इमेज जरूर देखिएगा। तो भाई ये जो है ऑरोराज, इनके बनने का कारण क्या होता है, तो इंटरैक्शन ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पॉजिटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑफ द सोलर विंड विद एटम्स ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर अकरिंग प्राइमरी इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ बोथ हेमिस्फेयर। मेन रीजन इनका क्या है भाई, इंटरेक्शन है एनर्जेटिक पार्टिकल्स का सोलर विंड की किसके साथ, तो अपर एटमॉस्फेयर के एटम्स के साथ। ऑरोराज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आर कॉल्ड ऑरोरा बोरेलियस, ऑरोला पोलारिस और नॉर्दर्न लाइट्स, एंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और सदर्न लाइट्स। भाई अगर ये जो ऑरोराज हैं ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेंगे तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है या फिर ऑरोरा पोलारिस बोला जाता है या फिर नॉर्दर्न लाइट जो है वो बोला जाता है। लेकिन वही अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फेयर में इन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है या फिर सदर्न लाइट्स बोला जाता है, क्योंकि कौन से हेमिस्फेयर में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं भाई, तो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो नॉर्दर्न लाइट्स इन्हें बोला जाएगा। क्या हाँ, अगर नॉर्दर्न में है तो नॉर्दर्न लाइट और सदर्न में है तो सदर्न लाइट्स, है ना, सदर्न हेमिस्फेयर में तो सदर्न लाइट्स, नॉर्दर्न में तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो नॉर्दर्न लाइट। या फिर अगर ऑरा ऑस्ट्रेलिस की बात हो रही है, यानी कि कौन से ऑरोरास की बात हो रही है, सदर्न हेमिस्फेयर के ऑरोरास की बात हो रही है, अगर ऑरोरा पोलारिस, पोलारिस शब्द का उपयोग किया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ऑरोरास आपके प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो है वो बात हो रही है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो फटाफट, अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब करंट अफेयर का ही टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट न्यूज कहना चाहिए, न्यूज जो है वो हम कवर अप करेंगे। है किसी को कोई डाउट यहाँ पर, कोई वर्ड आपको समझ ना आया हो या फिर कोई आपको टर्म जो है वो समझ नहीं आई हो? भाई पूछ लो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया, मतलब आपको कुछ भी इस टॉपिक में टर्म कुछ समझ नहीं आई है कि ये मैम क्या होता है, या फिर कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट न्यूज जो है वो कवर अप करूंगी, जो कि किससे संबंध रखती है, ड्रोन टेक्नोलॉजी से।
चलिए, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ बेटा, विद्या सन तो एक ही है ना। चल तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं फटाफट। ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, सबसे पहली बार भाई न्यूज़ में आखिर ये क्यों है? ठीक है, अब देखिए ड्रोन तो हर जगह इस्तेमाल किया जाने लग रहा है ना, तो भाई ड्रोन टेक्नोलॉजी अब एग्रीकल्चर में भी जो है इस्तेमाल में लाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये न्यूज में जो है वो क्यों है। रिसेंटली द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिलीज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट इज SOP फॉर यूज ऑफ ड्रोन इन पेस्टिसाइड एप्लीकेशन फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड फॉर स्प्रेइंग सॉइल एंड क्रॉप न्यूट्रिएंट्स। तो भाई रिसेंटली देखा गया है, रिसेंटली क्या किया है, तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रिलीज किया है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसके लिए है ये प्रोसीजर? तो भाई यूज ऑफ ड्रोन पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, जिसका इस्तेमाल क्रॉप प्रोटेक्शन में किया जा रहा है, स्प्रेइंग सॉइल और क्रॉप न्यूट्रिएंट्स में जो है वो किया जा रहा है। तो भाई इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वह यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा रिलीज किया गया है ना, कि मतलब इसका जो है वो पालन आपको किया जाएगा, यानी कि इस प्रोसीजर का पालन जो है वो आपके द्वारा किया जाना चाहिए अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं पेस्टिसाइड एप्लीकेशन में। तो इसे क्या कहा गया? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो कहा गया। ठीक है, मेजर प्रोविजन देख लीजिए भाई SOP के, इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के। तो भाई इसने क्या किया है, तो इसने कवर किए हैं इंस्ट्रक्शन जो कि प्री पोस्ट और ड्यूरिंग ऑपरेशन, इमरजेंसी हैंडलिंग प्लान और इफेक्टिव एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ ड्रोन। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोसीजर जो है वो बताया गया है इसमें कि भाई जब आप पेस्टिसाइड एप्लीकेशन में ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या सावधानी जो है वो आपको बरतनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके पहले आपको जो है वो क्या देखना है, जब आपका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके दौरान आपको जो है वो क्या करना है, साथ ही साथ अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पर आप हैंडल जो है वो कैसे करेंगे, तो इमरजेंसी हैंडलिंग प्लान भी दिया गया है। किसके लिए? इफेक्टिव एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स के लिए भाई, ताकि आप इफेक्टिवली और सेफ तरीके से इन ड्रोन्स का जो है वो इस्तेमाल कर पाए, है ना। प्रोसीजर क्या होता है भाई, प्रोसीजर क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से क्या दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जैसे कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है। ठीक है, जैसे कि आपको टीचर नहीं बताता है प्रोसीजर कि बेटा क्या करना है आपको, पहले आप फॉर एग्जाम्पल जब आप पढ़ाई करने बैठे, चलो UPSC का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको पहले क्या करना है, NCERT जो है वो कवर अप करनी है, फिर कोई रेफरेंस बुक का जो है वो इस्तेमाल करना है ना, फिर मेंस के लिए सजेशन देगा कि इस टाइम पर आपको फिर मेंस की पढ़ाई जो है वो चालू कर देनी चाहिए, है ना। हालांकि प्री और मेंस को जो है वो साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई पहले आपने सिलेबस क्या कर लिया, प्री का देख लिया फिर मेंस का, नहीं, है ना। क्योंकि आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो टॉपिक है प्रीलिम्स में क्या है, कम है, मेंस में ज्यादा है, लेकिन पढ़ने तो है आपको, तो जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को भी जो है वो कवर अप करते हुए चले। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि एक तरीके से प्रोसीजर जो है वो बताया गया है इसमें, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा गया है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें प्री पोस्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन इमरजेंसी हैंडलिंग प्लान दिया गया है, ताकि आप इसका इफेक्टिव और सेफ ऑपरेशन जो है, सेफ ऑपरेशन इफेक्टिव और सेफ तरीके से जो है वो उसका इस्तेमाल कर पाए। साथ ही साथ इस SOP में कवर किए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि पेस्टिसाइड एप्लीकेशन से संबंध रखते हैं, और जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, नॉन क्रॉप एरियाज में, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी जो हैं वो इस SOP में जो है वो कवर अप किए गए हैं। और देख लो भाई, अब यहाँ पे ड्रोन एप्लीकेशंस जो हैं वो बताई गई हैं एग्रीकल्चर में, कि भाई ड्रोन एप्लीकेशन जो है वो क्या होती है एग्रीकल्चर में। ठीक है, लिख देती हूँ मैं,
एग्रीकल्चर, ठीक है, ड्रोन एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। वही कहां पर, किन किन एरिया में, सॉइल एंड फील्ड प्लानिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट। भाई सॉइल एंड फील्ड प्लानिंग में देखिए, मॉइस्चर कंटेंट बिफोर इरिगेशन, चेक इरोशन बिफोर प्लांटिंग, न्यूट्रल लेवल बिफोर फर्टिलाइजर यू। भाई ये क्या करेगा, मॉइस्चर कंटेंट जो है पहले चेक करेगा इरिगेशन के पहले, साथ ही साथ इरोशन जो है वो चेक करेगा प्लांटिंग के पहले, न्यूट्रिएंट का लेवल चेक करेगा फर्टिलाइजर यूज के पहले, क्रॉप मॉनिटरिंग भी जो है उसके द्वारा की जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्लांट ग्रोथ में, साथ ही साथ ये क्या प्रमोट करेगा, जो सस्टेनेबल फार्मिंग है वो प्रमोट करेगा। क्रॉप प्रोटेक्शन में जैसे कि हेल्थ असेसमेंट ऑफ क्रॉप हो गया, स्प्रेइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गया, मतलब जिसकी आवश्यकता है उसे ही क्या करेगा, वो स्प्रे करेगा। साथ ही साथ स्प्रे करेगा किसका, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का। अब ऑब्वियस सी बात है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए, तो भाई आपका क्या रिड्यूस करेगा, ये लेबर कॉस्ट रिड्यूस करेगा, जो एफिशिएंसी है इनपुट यूज एफिशिएंसी उसको भी इम्प्रूव करेगा, सस्टेनेबल फार्मिंग जो है वो प्रमोट करेगा बाय कीपिंग चेक ऑन बायोटिक लॉसेस। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, आप देखिए अगर ये जो छिड़काव है किसके द्वारा किया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से, तो आपका लेबर कॉस्ट कम होगा कि नहीं होगा। पहले क्या कर रहे थे भाई, लोग लगाने पड़ रहे थे, उनको पैसे देने पड़ रहे थे, पर अब क्या करेगा ये काम, ड्रोन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लेबर कॉस्ट रिड्यूस होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लोगों द्वारा छिड़काव किया जा रहा है क्रॉप्स पर, जैसे कि आप अगर क्या किया जा रहा है, लोगों द्वारा छिड़काव किया जा रहा है किसी क्रॉप पर, ठीक है, फसल पर, ये आपकी फसल हो गई, ठीक है, अब लोग क्या करेंगे भाई, छिड़काव करेंगे, कई लोग आप लगाएंगे उसके लिए, लेकिन कहीं पर ऐसा होगा कि छिड़काव जो है वो ज्यादा हो जाएगा, कहीं पर क्या होगा कम होगा। तो अगर छिड़काव जो है वह आवश्यकता के अनुसार ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जितनी उस क्रॉप को आवश्यकता थी उससे ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, नुकसानदायक होगा कि नहीं होगा उस क्रॉप के लिए, और बाद में उसको जो खाएगा उसके लिए भी जो है वो नुकसानदायक रहेगा। तो जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार अगर हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, तो जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार क्या करेगा भाई, ड्रोन जो है वो छिड़काव करेगा, इससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो भाई ये सारे जो है एग्रीकल्चर में इसके यूज है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, पोटेंशियल ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज इन एग्रीकल्चर। भाई पोटेंशियल देख लेते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का, जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जा रहा है। फाइंडिंग यूज इन मेनी फील्ड इट होल्ड पोटेंशियल टू मॉडर्नाइज द रूटीन मैनुअल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एज वेल एज बाय लिंकिंग विद AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। भाई ऑब्वियस सी बात है ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर हम इसे लिंक कर रहे हैं किसके साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, मशीन लर्निंग के साथ, तो भाई जो मैनुअल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही थी है ना, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये एक तरीके से क्या है, मॉडर्नाइज कर देगा उस एक्टिविटी को, प्रॉपर तरीके से काम भी जो है वो आपका क्या होगा, हो पाएगा। आप सोचिए अगर कोई कार्य, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई कार्य किसी मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, कोई भी कार्य फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वही कार्य क्या कर रही है, एक मशीन कर रही है, तो आप सोचिए जल्दी काम कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है मशीन करेगी, है ना। अगर हम मनुष्य के कंपैरिजन में बात करें तो कौन जल्दी काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है मशीन जल्दी काम करेगी। जो काम मशीन के द्वारा किया जा रहा है वो ऐसा रहेगा कि गलती की संभावना जो है वो ना के बराबर रहेगी, लेकिन मनुष्य के साथ क्या हो सकती है भाई, गलतियां हो सकती हैं, मानते हैं उस चीज को, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है मशीन का जो काम रहेगा वो क्या होगा, गलती की संभावना भी कम रहेगी, ज्यादा भी जो है वो जल्दी काम करेगी। मनुष्य क्या होता है, अभी थोड़ी देर काम करने के बाद थक जाता है, उसे रेस्ट चाहिए, उसको लंच भी, लंच का टाइम भी जो है वो देना पड़ता है ना, लंच करता भी है, खाना वाना उसको खाना होता है, फिर एनर्जी भी चाहिए उसको। लेकिन मशीन से आप दिन भर काम कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मशीन थकेगी क्या कभी,
हालांकि हाँ मेंटेनेंस की जरूरत रहती है मशीन को भी, पर तब भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कौन भी जल्दी काम करेगी? डेफिनेटली मशीन। हेलो मैथ्स, क्या शेयर? हाँ भाई शेयर भी कर दिया करें आप लोग अपने दोस्तों के साथ। आप चाहें तो सेशन को जो है वो शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये सेशन पहुंचे। ठीक है, तो भाई ऐसा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, जो मैनुअल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चल रही है उनका जो रूटीन है उसे मॉडर्नाइज कर देगा, क्योंकि ये क्या होगा, लिंक विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। इट विल ऑल्सो हेल्प इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एड्रेसिंग इंक्रीजिंग फूड डिमांड विद वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोडक्टेड टू रीच 9 बिलियन बाय 2050। भाई ये क्या करेगा, एक तरीके से मदद करेगा फाइंडिंग सॉल्यूशन टू किस में भाई, एड्रेसिंग इंक्रीज फूड डिमांड विद वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रिडिक्टेड टू रीच 9 बिलियन बाय 2050। नाइन करीबन वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो फूड डिमांड है वो करीबन प्रिडिक्ट की गई है कितनी, 9 बिलियन बाय 2050, यानी कि 2005 तक ये कहाँ तक पहुंच जाएगी, रीच कर जाएगी 9 बिलियन तक। रिएक्ट फास्टर टू पेस्ट इन्वेशंस, मैंने आपको बताया ये क्या करेगा, जो पेस्ट इन्वेशंस होते हैं उसके ऊपर जल्दी ज्यादा जो है वो रिएक्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, इन 2020 ड्रोन वर यूज इन फाइट अगेंस्ट द अटैक ऑन क्रॉप बाय स्वार्म्स ऑफ लोकस्ट इन इंडिया। भाई आपको याद होगा टिड्डी का अटैक हुआ था 2020 में क्रॉप्स पर, है ना, याद होगा बहुत सारी टिड्डियां जो थी उनका अटैक हुआ था पेड़ों पर, इवन खासकर क्रॉप्स को जो था वह ज्यादा नुकसान पहुंचाया था किसानों की, आपको याद होगा 2020 की बात है ये। तो उसमें किसका इस्तेमाल हुआ था भाई, बचाव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का ही तो इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि इतनी ज्यादा टिड्डियों का अटैक हुआ है। अब बेचारा एक मनुष्य या दो मनुष्य कब तक उसको कंट्रोल कर पाता, तो इसमें क्या हुआ, मशीन का उपयोग हुआ, ड्रोन का उपयोग हुआ कंट्रोल करने के लिए, जो पेस्ट मेंशन किया गया था उसमें। तो रिएक्ट फास्टर टू पेस्ट इन्वेशंस, हेल्प इन स्मार्ट एग्रीकल्चर थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ड्रोन्स एंड अदर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। भाई ऑब्वियस सी बात है ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई स्मार्ट एग्रीकल्चर में जो है मदद कर रहा है, जिसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा किस किस के बीच, ड्रोन और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के बीच। ठीक है, तो ये जो है वो इसके क्या है भाई, पोटेंशियल है ड्रोन टेक्नोलॉजी के। व्हाई यूज ड्रोन फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, भाई ऐसा क्यों है? तो भाई देखो, बींग टॉक्सिक इन नेचर बायोसाइड्स द कन्वेंशनल पेस्टिसाइड यूज मेथड्स कैरी इश्यूज लाइक हाई लेबर कॉस्ट, लोअर स्प्रे यूनिफॉर्मिटी एंड एक्सेसिव एप्लीकेशंस। भाई मैंने आपको बता दिया है, हालांकि ये फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि भाई क्या होती है, जो हम कन्वेंशनल पेस्टिसाइड मेथड यूज करते हैं उसमें कई इश्यूज जो है वो आते हैं, है ना। पहली बात तो जो बायोसाइड्स होती है वो टॉक्सिक होती है नेचर में, दूसरी बात लेबर कॉस्ट भी जो है वो ज्यादा पड़ता है, जो यूनिफॉर्मिटी है स्प्रेइंग की वो क्या होती है, कम होती है ना। मैंने आपको बताया था अगर एक मनुष्य जो है वो छिड़काव कर रहा है तो क्रॉप वाला एग्जाम्पल दिया था, कहीं पर वो क्या कर देगा, ज्यादा छिड़काव कर देगा जहां पर आवश्यकता ही नहीं थी, और कहीं पर क्या कर देगा भाई, कम कर देगा। तो एक यूनिफॉर्म वे में जो है वो स्प्रे उसके द्वारा नहीं की जाएगी, लेकिन भाई अगर ड्रोन करेगा तो उससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म वे में जो है वो स्प्रेइंग की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है अगर हम नॉर्मल स्प्रे जो है वो करवा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हेल्थ और एनवायरमेंट रिस्क भी है ना। ऑब्वियस सी बात है ये जो छिड़काव किया जा रहा है पेस्टिसाइड्स का, ये हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, एनवायरमेंट को भी रिस्क जो है वो पहुंचाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति छिड़काव कर रहा है अगर वह कांटेक्ट में आ जाता है उसकी स्किन को, स्किन के
ऑब्वियसली बात है स्किन प्रॉब्लम्स उसको हो सकती है, या फिर ऑब्वियसली बात है रेस्पिरेटरी यानी कि नाक के थ्रू भी जो है वो क्या होगा भाई, अगर वह शरीर के अंदर पहुंच जाती है तो भाई उससे भी उसे क्या होगा भाई, रिस्क जो है वो होगी, विभिन्न डिजीजेस होने की जो है वो संभावना है। तो रेस्पिरेटरी और डर्मल यानी कि स्किन कांटेक्ट, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल रिस्क मैंने आपको बताया, सॉइल का पॉल्यूशन भी जो है क्रिएट करेगा और वाटर पॉल्यूशन भी जो है वो क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम बात करें ड्रोन की तो ड्रोन यूज कैन हेल्प एड्रेस मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज, ठीक है भाई। चलो अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं कि भाई चैलेंजेस जो है वो उसमें क्या क्या है। अनवियबल कमर्शियल ऑपरेशन ड्यू टू स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेंसेस 2015-16 अराउंड 86% फार्मर्स इन इंडिया होल्ड लैंड लेस देन 5 एकर्स। भाई पहली बात तो क्या हो रहा है, अनवेबल कमर्शियल ऑपरेशन हो रहे हैं, किसकी वजह से, स्मॉल और स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग की वजह से। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है 2015 में अगर हम एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें तो करीबन 86% फार्मर ऐसे थे इंडिया में जिनके पास जो लैंड है वो कितना है, 5 एकड़ से भी जो है वो कम है। लिमिटेड फ्लाइट टाइम एंड रेंज ऑफ ड्रोन्स ड्यू टू रिलेटिवली हाई पेलोड दैट इज 20 to 60 मिनट्स। भाई पहली बात तो क्या है, लिमिटेड फ्लाइट टाइम है, एक रेंज है ड्रोन्स की जिसमें हाई पेलोड्स की जरूरत है, क्या है भाई उसका पेलोड जो कि 20 से 60 मिनट है। हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ ड्रोन्स विथ मेंटेनेंस इशू, भाई मैंने आपको बताया कि मशीन है तो कॉस्ट भी क्या होगा इसका, ज्यादा आएगा। दूसरी बात मेंटेनेंस इश्यूज भी जो है वो सामने आएंगे फार्मर्स के, तो हाई इनिशियल कॉस्ट होगा विद मेंटेनेंस इशू। कनेक्टिविटी इशूज इन रूरल एरियाज ऑफ ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन कवरेज, भाई ऑब्वियस सी बात है कनेक्टिविटी इशूज भी जो है वो क्रिएट होंगे रूरल एरियाज में, है ना, होगी कि नहीं होंगे भाई। नॉलेज एंड स्किल इशूज एज इट नीड स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज फ्रॉम फार्मर टू यूटिलाइज ड्रोन इनपुट, भाई ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब फार्मर को इस बात की जानकारी भी तो होनी चाहिए कि भाई ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे तो करेंगे कैसे। ऐसे कुछ फार्मर हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, फिर वो क्या करेंगे भाई, ड्रोन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ेगी। ड्रोन के इस्तेमाल के लिए भी नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, स्किल की आवश्यकता पड़ती है, तो ये स्किल इश्यूज भी जो है वो क्रिएट होंगे। तो अगर हम ऐसा कराना चाहते हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है हमें क्या देनी पड़ेगी, फार्मर्स को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी तो फार्मर्स इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कंसर्न ओवर मिसयूज ऑफ ड्रोन्स टू इन्फ्रिंज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी स्पेशली इन बॉर्डर एरियाज, भाई आप देखिए बॉर्डर एरियाज में भी क्या करेगा, एक तरीके से जो ड्रोन्स है कंसर्न जो है वो आएंगे किसके, भाई मिसयूज ऑफ ड्रोन्स के, कि भाई ड्रोन का कहीं मिसयूज तो जो है वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्रिंज करेगा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को, खासकर बॉर्डर एरियाज वाली। वेदर डिपेंडेंस विद डिफिकल्टीज टू ऑपरेट इन विंडी और रेनी वेदर, भाई देखिए क्या होगा, वेदर डिपेंडेंस एक तरीके से सामने आएगी कैसे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है अगर हवाएं बहुत चल रही है यानी बहुत तेज हवा चल रही है या रेनी वेदर है तो फिर ऐसी स्थिति में हम इसका यूज कैसे करेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा भाई, इसका यूज करने में डिफिकल्टीज जो है उनका सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो ड्रोन एप्लीकेशन में आने वाले हैं जो मैंने आपको बताया। और बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों न्यूज, और मैं जितनी भी न्यूज आपको कवर अप करा रही हूँ आपने देखा होगा मैं डिटेल में जो है वो कवर अप करवा रही हूँ, तो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो मेरा सजेशन आपको इतना ही है कि आप इन न्यूज को जो है वह प्रॉपर वे में पहली बात तो समझो, फिर दूसरी बात इनका प्रॉपर वे से जो है वो रिविजन करो, तभी आप जो है वो याद रख पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या किए हैं भाई, तो हमने आज दो न्यूज कवर अप की है, पहली न्यूज थी सोलर फ्लेयर एंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की, और दूसरी न्यूज जो थी वह थी ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर।
ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रोन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, ठीक है भाई। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है भाई, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फॉलो कर लीजिएगा। ये मेरा नाम है जय दीपिका गौर, ये मेरा कोड है भाई। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आपके किसी दोस्त को लेना है, तो आप इस कोड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, अपने दोस्तों को रेकमेंड जो है वो कर सकते हैं इस कोड को, दैट इज JGIS10। आज मैं एक स्पेशल क्लास और लेने वाली हूँ। अनअकैडमी पर भी मेरी स्पेशल और प्लस क्लासेस चल रही है। अभी मेरा प्लस कोर्स चल रहा है सुबह 11:30 पे, मंडे टू सैटरडे ये चलता है, और आज मैं एक स्पेशल क्लास लूंगी रात को 8:30 पर। तो आप चाहें तो ये फ्री क्लास है, आप इसे अटेंड कर सकते, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है वो मैं इस क्लास में आपको करूँ, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को बाय, टाटा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जीवन में खूब तरक्की पाओ, और जो भी आपने सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए रोजाना मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू। मैम आप अच्छा पढ़ाते हैं बेटा। अभी तो क्लासेस आपकी होंगी इस मंथ 27 तक होंगी, है ना। फिर नेक्स्ट मंथ का मैं आपको अपडेट करूंगी, ठीक है। चलो, सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, बाय।